हाय दोस्तों, मैं हूँ दीपक और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चौराहे पर बनी घोड़ों की मूर्ति की टांगे क्या संदेश देती है। अक्सर आप कहीं पर जाते होंगे, अपने गांव वगैरह जाते होंगे, तो आपको चौराहे के ऊपर एक घोड़े की मूर्ति दिखाई देती होगी, उसके ऊपर एक राजा दिखाई देता होगा। तो चौराहे पर जो घोड़े की मूर्ति बनी रहती है, उसकी टांगे ऊपर या नीचे रहती है, कभी एक हवा में ऊपर रहेगी, कभी दोनों टांगे हवा में रहेगी, तो वो क्या संदेश देती है घोड़े की टांग, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए, अगर घोड़े की दोनों टांगे हवा में हैं तो इसका मतलब योद्धा युद्ध में मारा गया, यानी कि घोड़े की दोनों टांगे हवा में रहती है तो इसका मतलब ये होता है जो वो योद्धा था वो युद्ध करते करते वो उसी युद्ध में मर गया। ठीक है, तो ये इसका संदेश है अगर दोनों टांगे ऊपर रहेगी। नेक्स्ट है, अगर घोड़े की एक टांग हवा में है तो योद्धा युद्ध के बाद मरा, लेकिन उसकी मुख्य वजह युद्ध के लगे घाव थे। यानी कि अगर एक टांग सिर्फ हवा में है घोड़े की, तो ये जो योद्धा था जो युद्ध में लड़ रहा था तो वो युद्ध के बाद मरा। ठीक है, युद्ध के अंदर नहीं मरा, युद्ध के बाद मरा, लेकिन उसकी जो मुख्य वजह थी वो क्या थी, युद्ध में लगे घाव, यानी कि जो उसे युद्ध में जो घायल हुआ था उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई युद्ध के बाद। तो ये था घोड़ों की एक टांग का। फिर नेक्स्ट आता है, अगर घोड़े की चारों टांगे जमीन पर है, इसका मतलब प्राकृतिक कारणों से मरा है, उसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अगर घोड़े की कोई भी टांग हवा में नहीं है, मतलब उसकी जो टांगे हैं वो चारों जमीन पर ही है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो योद्धा था वो प्राकृतिक कारणों से मरा है, उसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वो योद्धा कोई युद्ध से नहीं मरा है, यानी कि प्राकृतिक जो सबकी मृत्यु होती है उसी तरह से उसकी भी मृत्यु हुई है। तो ये था घोड़ों की मूर्ति का संदेश जो आपको हर चौराहे पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।